बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक भाई ने पूछा है कि अगर फजर की नमाज कज़ा हो जाए तो उसकी कज़ा कब पढ़ी जाए, और कज़ा में सिर्फ फ़र्ज़ पढ़े जाएंगे या फिर सुन्नतें भी पढ़ी जाएंगी। देखें, अगर सोते में या भूले से कोई नमाज कज़ा हो जाए तो उसकी कज़ा पढ़नी फ़र्ज़ है, अलबत्ता कज़ा का उस पर गुनाह नहीं, जिस तरह के फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 121 पर यह बात मौजूद है। मगर बेदार होने और याद आने पर अगर मकरूह वक्त नहीं है तो उसी वक्त पढ़ ले, फिर उसके अंदर ताखीर जो है ये मकरूह है। यहाँ पर थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। देखें, अगर दखूले वक्त में सोया, मिसाल के तौर पर जोहर का वक्त जो है वो दाखिल हो चुका था, अब दखूले वक्त में सोया है, उसे जगाने वाला भी कोई नहीं और वो ख़ुद भी ना उठ सका, तो इस सूरत में अगर दखूले वक्त में सोया और उसकी नमाज का वक्त जो है जोहर का निकल गया, उसकी नमाज कज़ा हो गई, तो अब वो गुनाहगार ज़रूर होगा क्योंकि वह दखूले वक्त में सोया है। अब यहाँ पर फजर के लिए अलग है। मिसाल के तौर पर फजर में अक्सर हिस्सा जो है वो जागता रहा, रात का सारी रात बेदार रहा, अक्सर हिस्सा जो है वो रात का बेदार रहा, लेकिन दखूले वक्त से थोड़ी देर कबल सो गया, यानी अब 4:45 पर जो है तलू फजर हो रही है, और अगर सारी रात जागता रहा लेकिन 4 बजे जो है वो सो गया और उसे उठाने वाला भी कोई नहीं और वो ख़ुद भी ना जाग सका, इस सूरत में अगर उसकी नमाज निकल जाएगी तो तब भी वो गुनाहगार ज़रूर होगा। अब रही बात कि अगर नमाज छूट जाए, नमाज कज़ा हो जाए, फजर की नमाज निकल जाए, वक्त गुजर जाए, तो उसकी कज़ा कब पढ़े, तो याद रखिएगा कज़ा नमाज के सिर्फ 3 वक्तों के अलावा बाकी किसी भी वक्त में नमाज अदा की जा सकती है। 3 वक्त जो नमाज के मकरूह हैं, तलुए आफ्ताब हो गया, ज़िवाल का वक्त हो गया और ग़ुरूब आफ्ताब, इन 3 वक्तों के अलावा किसी भी वक्त में कज़ा नमाज पढ़ी जा सकती है, सिर्फ 3 वक्तों के अलावा, तलुए आफ्ताब, ज़िवाल का वक्त और ग़ुरूब आफ्ताब। अब यहाँ पर तीसरा मसला कि अगर फ़र्ज़ नमाज, अगर कज़ा नमाज पढ़ेगा तो सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ेगा या फिर सुन्नतें भी पढ़ेगा, तो देखें इसके बारे में दुर्रे मुख्तार रद्दुल मुख्तार में लिखा है जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 549 पर कि अगर उसी दिन की कज़ा है, यानी आज के दिन की कज़ा है और आज के दिन ज़िवाल से कबल, ज़िवाल के वक्त से पहले पहले यूँ वो कज़ा पढ़ रहा है, तो इस सूरत में वो सुन्नतों की कज़ा भी पढ़ेगा और फ़र्ज़ों की कज़ा भी पढ़ेगा। अगर उसी दिन की कज़ा है और ज़िवाल से पहले पहले पढ़ रहा है, ठीक तरीके से समझ लीजिए कि सुन्नतों की कज़ा नहीं है वैसे, लेकिन फजर की नमाज अगर उसी दिन कज़ा हुई है और उसी दिन कज़ा पढ़ रहा है, ज़िवाल से पहले पहले पढ़ रहा है, तो फिर सुन्नतों की कज़ा भी पढ़ेगा और फ़र्ज़ भी पढ़ेगा। लेकिन अगर उसी दिन की नमाज ज़िवाल के वक्त के बाद पढ़ेगा, जोहर के बाद पढ़े या मगरिब के बाद पढ़े या इशा के बाद पढ़ेगा, तो फिर उसकी सुन्नतों की कज़ा नहीं होगी, फिर फ़र्ज़ों की कज़ा ही पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर उसी दिन पढ़ रहा है, ज़िवाल से पहले पहले पढ़ रहा है, तो फिर सुन्नतों की कज़ा जो है वो ज़रूर पढ़ेगा और फ़र्ज़ों की कज़ा भी पढ़ी जाएगी। ये थे 2 मसले कि कब पढ़ेंगे, पढ़ने का वक्त जो है सिर्फ 3 वक्तों के अलावा बाकी किसी भी वक्त में पढ़ सकते हैं, और ये जो सुन्नतों की बात बताई है सिर्फ फजर के लिए है। ये फजर की नमाज अगर उसी दिन कज़ा करेगा, ज़िवाल से पहले पहले पढ़ेगा, तो फिर सुन्नतें पढ़ी जाएगी, अदरवाइज़ किसी भी और नमाज के लिए अगर उसी दिन भी पढ़ेगा तो फिर उसकी सुन्नतें नहीं पढ़ी जाएंगी। मैं वजाहत कर देता हूँ, यानी आज की जोहर की नमाज आपकी कज़ा हुई है और आज ही के दिन में मगरिब के बाद आप कज़ा पढ़ रहे हैं या इशा के बाद अब जोहर की कज़ा पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ फ़र्ज़ नमाज ही पढ़ेंगे, फ़र्ज़ नमाज की कज़ा करेंगे, सुन्नतों की कज़ा नहीं होगी। ये सिर्फ फजर में मैंने बताया कि जिस तरह दुर्रे मुख्तार रद्दुल मुख्तार में लिखा हुआ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 549 पर कि उसी दिन अगर ज़िवाल से कबल वो नमाज कज़ा कर रहा है तो फिर उसकी सुन्नतें भी पढ़ी जाएंगी और फ़र्ज़ भी पढ़े जाएंगे, लेकिन अगर ज़िवाल के वक्त उसी दिन की नमाज फजर जो है कज़ा पढ़ रहा है तो फिर उसकी सिर्फ फ़र्ज़ों की कज़ा पढ़ी जाएगी, सुन्नतों की कज़ा नहीं पढ़ी जाएगी। 3 वक्तों के अलावा किसी भी वक्त में नमाज कज़ा पढ़ी जा सकती है, सिर्फ तलुए आफ्ताब और ज़िवाल का वक्त और ग़ुरूब आफ्ताब, इन 3 वक्तों के अलावा किसी भी वक्त में फजर की हो, जोहर की हो, असर की, मगरिब की, इशा की, कोई भी नमाज कज़ा हो चुकी है उसको पढ़ लेना, इसमें किसी किस्म की मुमानियत नहीं है, और जितनी जल्दी हो सके कज़ा नमाज को पढ़ लेना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शरई मसाइल जानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।